हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर डेफिनेशंस क्लॉज। तो सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 में बताया गया है डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 कोड इंक्लूड्स रूल, इसका मतलब यह है ये जो सीपीसी है इसके अंदर रूल्स इंक्लूड हैं। फिर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 डिक्री, हालांकि हम इस पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं। डिक्री मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, कोड का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिटरमाइन करता है पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है पूरे तरीके से, या उस मैटर का किसी हाफ पोर्शन को डिसाइड करता है, तो उसको हम डिक्री बोलते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 कहता है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिग्री पास किया जाए, मतलब किसी का केस चल रहा है और डिग्री जो है वो उसके फेवर में पास कर दी गई है, तो उसको डिग्री होल्डर बोलते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहता है, इसमें यह है कि कौन से कोर्ट की कितनी ज्यूरिसडिक्शन होगी। हालांकि इसमें यह होता है कि कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट है उसकी लोकल लिमिट्स जो होगी सिर्फ वहीं तक ही उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होती है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5 फॉरेन कोर्ट, तो मतलब यह है कि इंडिया से बाहर जो भी कोर्ट है उसको हम फॉरेन कोर्ट कहते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्थापित ना की हो उसको हम फॉरेन कोर्ट बोलेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट यही है कि फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट पास करती है उसको हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट प्लेडर, तो इसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं, और इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ेगा हम उसको गवर्नमेंट प्लेडर बोलेंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 8 जज, तो जज मतलब सिविल कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब सिविल कोर्ट में जो जजमेंट पास करेगा या जो उस मैटर को सुन रहा है उसको हम जज बोलेंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9 जजमेंट, तो जज के द्वारा दी गई स्टेटमेंट, जज के द्वारा कोई भी एक स्टेटमेंट जो पास करता है उसको हम जजमेंट बोलते हैं, और जो जजमेंट होता है वो डिक्री या ऑर्डर के बेस पर या ग्राउंड पर भी हो सकता है, ये डिसीजंस नहीं होता। मतलब जो जजमेंट है वो एक तरीके का डिसीजन नहीं होता, बस एक स्टेटमेंट एक लाइन होती है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 जजमेंट डेटर, डिक्री जिसके अगेंस्ट में फ्रेम होती है, जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास होती है हम उसको जजमेंट डेटर बोलते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। तो इसमें यह है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, जो केस लड़ रहा है उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, तो उसके बाद जो उस केस को आगे प्रोसीड करेगा, मतलब उसके बाद जो केस को रिप्रेजेंट करेगा वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 12 मेन प्रॉफिट, हालांकि इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेन प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जो एक पर्सन रॉन्गफुली किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट गेन करता है उसको हम मेन प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पर यही है कि कोई भी पर्सन अगर ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा करके गलत कब्जा करके उससे प्रॉफिट ले रहा है, तो वो उसके राइटफुल ओनर को वो प्रॉफिट वापस देगा। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर वो उस फायदे के लिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में फायदे के लिए कुछ करता है तो वो देनदार ही नहीं होगी उसकी, लेकिन अगर नुकसान कर दिया है या उस पे जो प्रॉफिट है वो गेन किया है तो वो उसके राइटफुल ओनर को देगा। इसके बाद सेक्शन 2 का सबसेक्शन 13 मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जितने भी जो प्रॉपर्टी मूव कर सकती है हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स भी इंक्लूड है क्योंकि वो कट जाती हैं उसके बाद वो चल संपत्ति में आ जाती है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 ऑर्डर, तो कोई भी कोर्ट का डिसीजन जो डिक्री नहीं है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। बहुत इश्यूज में से किसी एक इश्यू पर डिसीजन देना उसको ऑर्डर बोलते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं आपके और मेरे केस में, उसमें से किसी एक इश्यू पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया। मान लीजिए मैं किसी दुकान में रहता हूँ और वो दुकान ऊपर से आप तोड़ रहे हैं, तो मैं एक स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले लेता हूँ। अब जो स्टे ऑर्डर कोर्ट जो पास करेगी स्टेटमेंट उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15 प्लीडर, तो वो पर्सन जो किसी और के केस लड़ने के लिए एलिजिबल हो वो उस पर्सन को हम प्लीडर बोलते हैं, किसी और का केस लड़ने के लिए एलिजिबल हो। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 16 प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड जैसा रूल्स में बताया गया है उसी को हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर मानते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 17 पब्लिक ऑफिसर, तो ये सबसे काफी बड़ा सबसेक्शन है इस पूरे सेक्शन में।
तो इसमें यह है एवरी जज, कोई भी जज होगा उसको पब्लिक ऑफिसर कहेंगे हम। कोई भी मेंबर जो ऑल इंडिया सर्विसेज का है, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब IAS IPS, उसको हम पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। कोई भी पर्सन जो सेना में है, किसी भी सेना में है और जब तक गवर्नमेंट के अंडर सर्विस दे रहा है, उसको हम पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। कोर्ट का ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी है कि वो लॉ या फैक्ट से रिलेटेड मैटर पर रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेट करेगा, या कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा, या कोई ओथ दिलाएगा, इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन होता है, कोई भी पर्सन जो ऐसे पद को होल्ड करता हो कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, ये मेनली पुलिस ऑफिसर्स के लिए आता है, तो उसको हम पब्लिक ऑफिसर कहेंगे। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो एक ऑफिस होल्ड करता है या एक पोस्ट होल्ड करता है, उसको हम पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। ठीक है, कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उसको हम पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसके एवज में, उसके बदले में वो उसका फीस लेता है, वेतन लेता है, तो उसको हम पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 18 रूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो दिए गए हैं और सेक्शन 125 और 122 में जो दिए गए हैं, उसको हम रूल्स बोलेंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 19, शेयर इन ए कॉरपोरेशन। इसमें यह समझा जाएगा कि जो भी, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है शेयर इन ए कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर यह समझा जाएगा कि इसमें स्टॉक, डिबेंचर, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इंक्लूड है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 20, साइंड। तो इसमें यही है कि जो भी जज, जो भी प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर कोई जजमेंट या डिक्री पास करेगा, तो उसमें वो उस अपने साइन जरूर करेगा और प्लस उसमें स्टैंप इंक्लूड होगा। तो हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, डेफिनेशंस क्लॉज जो सेक्शन 2 में बताए गए थे। और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखनी हो तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।